नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है रश्मि सचान और बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। और मेरा कोई भी वीडियो आपको अच्छा लगा करे, पसंद आया करे, तो उसे सभी के साथ शेयर कर दिया करिए, जैसे अपने फ्रेंड्स और अपने कॉन्टैक्ट के साथ में। और साथ ही साथ अपने कमेंट जरूर छोड़ा करें मेरे वीडियो में कि आपको रेसिपी कैसी लगी, या अगर आप चाहते हैं कि इसमें मैं कुछ चेंज कर सकती हूँ या मुझे कुछ भी इसमें एडिटिंग करनी चाहिए थी, तो आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं, एडवाइस दे सकते हैं। तो आइए चलते हैं हम वीडियो की तरफ। सबसे पहले गैस को ऑन करेंगे और कढ़ाई रख देते हैं गरम होने के लिए। इसे हम कढ़ाई में बनाएंगे। मेरा सजेशन है आप इसे लोहे की कढ़ाई में बनाएंगे तो रिजल्ट और भी अच्छे आएंगे। कढ़ाई में हम डालेंगे सरसों का तेल या जो भी तेल आप डालना पसंद करें। हम डालेंगे 4 बड़े चम्मच तेल। तेल चेक करते हैं, तेल अच्छी तरह से गर्म हो जाना चाहिए। तब हम एक छोटा सा टुकड़ा दालचीनी का डाल देंगे, तेज पत्ते के टुकड़े डाल देंगे और थोड़ा सा डाल देंगे जीरा। अच्छी तरह से इसे चटक जाने देते हैं। इसके बाद हम इसमें प्याज डाल देते हैं, एक बड़े साइज़ का या 2 छोटे प्याज बारीक काट कर, और 1 या 2 हरी मिर्च, हरी मिर्च स्वाद के अनुसार। इन्हें अच्छी तरह से अब हम पकाते हैं। जैसे ही प्याज हल्की सॉफ्ट हो जाएगी, इसमें 1/2 चम्मच अदरक का पेस्ट और 1/2 चम्मच लहसुन का पेस्ट डाल देंगे और इसे भी पका लेंगे। इसके बाद हम इसमें डालेंगे आलू। आलू देख रहे हैं, ये कच्चे आलू हैं, तो मैंने यहाँ 3 मीडियम साइज़ के आलू लिए हैं जिन्हें मोटे मोटे टुकड़ों में काट लिया है। अब गैस को हम यहाँ पर स्लो टू मीडियम कर लेंगे। कढ़ाई भारी तले की होगी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, हल्के तले की हो तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। मिक्स करके अब हम इसे ढक्कन से कवर कर देंगे 2-4 मिनट के लिए। ऐसे ही तेल में अच्छी तरह से आलू को फ्राई होने देंगे। बिना पानी के जो पकी हुई आलू होती है उसका स्वाद बहुत ही बेहतरीन होता है। तो इसी तरह से ढककर हमें लगभग इस तरह से पका लेना है कि प्याज हमारा डार्क ब्राउन हो जाएगा और आलू लगभग आधी से ज़्यादा पक जाएंगी। तो देख रहे हैं प्याज किस तरह से, और बहुत ही अच्छी प्याज की खुशबू आएगी। लेकिन आपको ध्यान देना है कि प्याज जल ना जाए। जब इस तरह का हो जाएगा जैसा आप देख पा रहे हैं वीडियो में, तो हम इसमें 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर डाल देंगे, 1 बड़ा चम्मच धनिया पाउडर डाल देंगे, नमक डाल देंगे स्वाद के अनुसार या 1 छोटी चम्मच, कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर डाल देंगे 1/4 चम्मच और टमाटर डाल देंगे 2 से 3 टमाटर आप यहाँ पर डालिएगा। इसके बाद हम इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। सब्जी को थोड़ा पेशेंस के साथ में बनाइएगा, ज़्यादा जल्दबाजी मत करिएगा। अच्छी तरह से मिक्स होने के बाद और 1/2 मिनट पकाने के बाद हम इसमें डालेंगे 1/4 चम्मच या 1/2 चम्मच गरम मसाला। जो गरम मसाला आप रेगुलर यूज़ में लाते हैं वो गरम मसाला आप डाल दीजिए और इसे मिक्स कर दीजिए। गैस को बहुत ज़्यादा हाई करने की ज़रूरत नहीं है आपको अभी, जब तक कि हम सब्ज़ी में पानी ना डाल दें। अब देखिए, ये दिखने में ही काफ़ी अच्छा लग रहा होगा कि ये मसाला काफ़ी अच्छा बनकर तैयार होगा आलू और टमाटर के साथ, तो मैंने यहाँ पर बहुत थोड़ा सा पानी डाल दिया है और इसे हम ढक्कन बंद करके तब तक पकाएंगे जब तक ये जो टमाटर हैं हमारे अच्छी तरह से गल नहीं जाते हैं और हमें एक बढ़िया सा मसाला मिलेगा। तो अभी आप देख रहे हैं कुछ इस तरह का हो गया है, सभी चीज़ें काफ़ी मैश नज़र आ रही हैं। यहाँ पर देखिए मेरे पास थोड़ा सा राजमा है उबला हुआ, तो जिस पानी में हमने राजमा को उबाला था पानी सहित डाल देंगे। पानी ज़्यादा नहीं है, देखिए यहाँ पर 1/4 कप पानी है और राजमा रात भर भिगोया था, फिर मैंने इसको उबाला है हल्का सा नमक डालकर। सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर दीजिएगा। बहुत ज़्यादा पानी भरने की ज़रूरत नहीं है आपको इसमें, थोड़ा गाढ़ा गाढ़ा ही बनाइएगा इस सब्ज़ी को। देखिए कुछ इस तरह की कंसिस्टेंसी मैंने कर ली है इसमें। नमक यहाँ पर टेस्ट कर लीजिए और अब हम सब्ज़ी को ढककर धीमी आंच पर 10 मिनट तक के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे। कम से कम 10 मिनट धीमी आंच में आप पकाइएगा जिससे कि सभी चीज़ें अच्छी तरह से पक जाएं। और ये देखिए 10 मिनट बाद इसमें हम हरा धनिया मिला देंगे, गैस को बंद कर देंगे और हमारी जो सब्ज़ी है वो बिल्कुल बनकर तैयार हो चुकी है। क्योंकि आलू भी पहले काफ़ी पक चुके थे और राजमा तो हमने डाला ही उबाल कर, और मसाला भी हमने अच्छे से पकाया, तो इसे बहुत ज़्यादा नहीं कुक करना पड़ेगा। और सुनाएं, पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।